पेट ठीक नहीं रहना, बदहजमी होना, जिसकी वजह से लगातार पाइल्स में रेक्टम में हमारे दिक्कत आने लगती है, पाइल्स में लगती है। पाइल्स में कई बार खूनी पाइल्स होती है, रेक्टम से लैट्रिन के द्वार से खून निकलने लगता है, कई बार बादी पाइल्स होती है, कई बार फीसर होता है, रेक्टम के साइड में छाले बन जाते हैं। तो उसी पर आपको कुछ सलाह देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथी पद्धति से, होम्योपैथी विधि से समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का टॉपिक लेके आया हूँ पाइल्स पर, आपको कुछ मेन मेन दवाई बताने जा रहा हूँ जिनके मैंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे, अच्छे रिजल्ट देखे, जिनसे पाइल पूर्ण रूप से जल्द से ठीक हो जाता है। होम्योपैथी सिम्टम बेसिस मेडिसिन है, लक्षणों के आधार पर मेडिसिन है, जिसकी दवाई लेने से अगर प्रॉपर वे में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाकर सेमेंट जाकर दिखा के पूर्ण सिम्टम दे के दवाई ले रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। पर प्रॉपर वे में दिखा के दवाई लीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो मैंने कुछ दवाइयों के रिजल्ट अच्छे देखे वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, और बिना दिखाए हुए दवाई लेना मैं मानूंगा उचित नहीं है, दिखा के दवाई लीजिए। पदू फिर भी मैं आपको कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं होम्योपैथी में पाइल्स में, वो आप लोगों तक पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली दवाई है, अगर ब्लैडिंग पाइल्स में से ब्लैडिंग हो रही है, ब्लैड निकलना है, तो उसके लिए कौन कौन सी दवाई है वो आपको बता दे रहा हूँ। अगर पाइल्स में से ब्लैड निकल रहा है तो मैंने देखा कि हेमामिलिस 30 का या हेमामिलिस मदर इंजर का बहुत सारी रिजल्ट है। 3 से 6 बार लेने से ब्लीडिंग जो है 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। इसी तरह से पाइल्स की जो मेन मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप को सेक्शन ऑफ मेडिसिन है कि आप उसको डॉक्टर आपका आपको 30 पाउंड में दे, 200 में दे, 1 mm में दे या मदर इंजर में दे। कई बार मैं देखता हूँ कि 30 पाउंड से बहुत से रिजल्ट मिलते हैं, सिम्टम तो सिम्टम बेयर करता है, कई बार 1 mm से बहुत से रिजल्ट मिलते हैं, और कई बार जो है मदर इंचर से बहुत से रिजल्ट मिलते हैं। एस्कुलस मेन मेडिसिन है जिससे पाइल से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, और सेक्शन ऑफ मेडिसिन है, मैं देखा हुआ कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एस्कुलस हिप के पाइल्स में। इसके साथ साथ में अगर जलन हो रही है, पत्ते पत्ती गांठें हो रही हैं, लंबी लंबी खिंची हुई गांठें हो रही हैं और रेक्टम में जलन हो रही है, तो ऐसे में एसिडनाइटिक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा हुआ है पाइल्स में। एसिडनाइटिक से बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। साथ साथ में गांठ दर्द नहीं है और गांठी गांठ है पाइल्स के अंदर, पाइल्स की गांठ बनी हुई है, तो उसमें थूजा 30 के 200 के 1 mm के बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए थे। कई कई बार इसमें मदर इंचर के भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए थे। सिम्टम तो बेयर करता है कि आपका पेशेंट किस काबिल है, किस टाइप से है, कौन कौन से सिम्टम्स के ले जाएँ, जिसमें कौन सी मेडिसिन को दी जाए सही सही, तो उसके अच्छे रिजल्ट दिखाई दे। इसी तरह से मैं और वीडियो लाते रहता हूँ, नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।